अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर, वेलकम टू माय चैनल। हियर्स आई शो यू बेस्ट मेडिकेटेड वाइटनिंग क्रीम्स। यहाँ पे मेरे पास कुछ वाइटनिंग क्रीम्स हैं जो कि आप देख रहे हैं कि फेयर एंड पिंक है। फिर मेरे पास मैक्सटिव है, डर्मोटीन क्रीम है और बायोफेड। इन सब का रिव्यू इसी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी, इनकी प्राइसेस भी मैंशन कर दूँगी, सब कुछ इसी वीडियो में। सबसे पहले जी हमारे पास आ जाती है फेयर एंड पिंक ग्लो क्रीम जो है, ये आप देख सकते हैं। मैंने पहले दो जो है वो मैंने इस्तेमाल कर ली है और अब ये तीसरी है। SPF 30 इसके अंदर मौजूद है। क्रीम की खास बात ये है कि इसमें SPF 30 है और ये मैन वुमेन दोनों के लिए, यानी कि आदमी भी यूज़ कर सकते हैं और आप इसे डे टाइम भी यूज़ कर सकते हैं। इसको अप्लाई कर सकते हैं आप अपनी स्किन पे आफ्टर क्लींजिंग करने के बाद। आप अपनी स्किन पे अच्छे से कोई टोनर यूज़ करें, उसके बाद सीरम और फिर आप नाइट क्रीम इस्तेमाल करें तो आपको बहुत अच्छे और बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं जी। इसका मैं अपने हिसाब से रिव्यू आपके साथ शेयर करूँ तो पहले इस क्रीम जो आई थी, इसका रिज़ल्ट बहुत ही बिंदास, यानी कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो है इसका रिज़ल्ट था। इस क्रीम को जी चेंज कर दिया गया, फेयर एंड पिंक थी पहले, फिर फेयर एंड पिंक ग्लो आ गई है। ग्लो ही मैं यूज़ कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि इसका रिज़ल्ट नहीं है, इसका रिज़ल्ट भी अच्छा खासा है अगर आप मतलब प्रॉपर वे में अगर आप यूज़ करें तो। ठीक है, कोई भी मेडिकेटिंग क्रीम आपको बहुत जो है वह जल्दी रिज़ल्ट नहीं देती। उसके बाद ये रहती है मैक्सटिव व्हाइटिंग क्रीम, ये भी मेडिकेटेड है, स्किन ब्राइटनिंग क्रीम है। अच्छा, इन क्रीम की खास बात यह है कि इनके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, जैसे गोल्डन पर वगैरह लगाने के बाद आपकी स्किन पे दाने वगैरह एक्ने का प्रॉब्लम होता है। मेडिकेटेड क्रीम है, डॉक्टर भी इन्हें रेकमेंड करते हैं ये आप यूज़ करें। अच्छा, इन मेडिकेटेड क्रीम जितनी भी मेडिकेटेड क्रीम्स होती हैं उनका रिज़ल्ट आपको एक माह प्रॉपर तरीके से आप अगर उसे इस्तेमाल करते हैं उसके बाद ही आपको मिलता है, क्योंकि ये बहुत स्लोली वर्क करती हैं, बहुत जल्दी इससे वर्क नहीं करती जैसे दूसरी फार्मूला क्रीमें वर्क करती हैं, वो आपको 3-4 दिनों के अंदर ही रिज़ल्ट देती हैं। उनको पहले मैंने एक माह यूज़ किया, फिर मैंने मतलब वीक में दो बार इस तरह से यूज़ किया, तकरीबन मुझे 8 मंथ हो गए इसको यूज़ करते हुए और इसका रिज़ल्ट भी मतलब कि अच्छा है। अब डर्मोटीन क्रीम है नेक्स्ट, ये भी मेडिकेटेड क्रीम है, डर्मेटोलॉजिस्ट से भी रेकमेंड करते हैं। डर्मोटीन लिखा हुआ क्रीम जो है वो जी पैराबेन फ्री है, कोजिक एसिड फ्री है। ठीक है, जो केमिकल्स हैं उनसे जो बहुत ज़्यादा आपकी स्किन को इफेक्ट करते हैं उनसे वो जो है वो इसके अंदर मौजूद नहीं है। ये क्रीम भी आपको रिज़ल्ट देती है अच्छा, अगर आप इसे प्रॉपर वे में 1 मंथ तक यूज़ करें तो आपकी स्किन नीट हो जाती है, डार्क स्पॉट्स वगैरह का जो है वो ख़त्म नहीं होते प्रॉपर लेकिन कम हो जाते हैं। उसके बाद जी लास्ट पे हमारे पास जो बची है वो है बायोफेड क्रीम। बायोफेड क्रीम सबसे ज़्यादा बेस्ट जा रही है इस वक्त मार्केट में और इसके रिज़ल्ट भी कह रहे हैं कि बहुत अच्छे हैं। अरे, ये बायोफेड क्रीम है, एंटीऑक्सीडेंट है, अल्ट्रा वाइटनिंग है और ये बायोफेड क्रीम जो है वो इस तरह से आप देख सकते हैं बिल्कुल ट्यूब में होती है। ये आपको वाइटनिंग इफेक्ट देती है, हाइपरपिगमेंटेशन को जो है रिमूव करने में हेल्पफुल करती है और मतलब बायोफेड क्रीम की इस वक्त सेलिंग सबसे ज़्यादा है और ये टॉप पे जा रही है सबसे ज़्यादा। उससे कम अगर मैं कहूँ तो वो डर्मोटीन होगी, फिर जो है वो मैक्सटिव और फिर जो है वो हमारे पास पिंक एंड फेयर, यानी कि फेयर एंड पिंक क्रीम है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप हर वीडियो आप तक आसानी पहुंच जाए।